ਜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋੜ ਤੋਂ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੈ ਰਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਡਰਗ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜੀਤ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਜਲਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਜੀਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮਨੋਜ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਰੀ गुरजीत इहदे विच जे हुण तक दी इन्वेस्टिगेशन दी गल कर लिए ते 2023 जी मनोज आवाज जी जी ठीक है मनोज दे नाल जुड़दे आ और पूरी जानकारी जिहड़ी आ जरूर लैणे आ पर खास तौर ते अक्टूबर 2023 तो दस दे कि राजीत सिंह फरार है और हुण ए शक है कि विदेश भज सकदा है और उस तों बाद हर पासे पूरे मामले दे विच दस्सदे कि स्पैशल टास्क फोर्स है और जिसने जांच होर भी तेज कर दी है और नेपाल दे जिहड़े नाल लगदे एरिया ने उत्थे भी जांच की जा रही है और संभाविक तौर ते उत्थे भी टीमां जिहड़ियां ने ओह जरूर लगाईआं जाणगीआं ताकि ये शक क्योंकि यह है कि राजीत फरार हो सकते हैं राजीत सिंह और जिस तों बाद हुण लगातार पाल जिहड़ी है की जा रही है और लंबे समय तो जिहड़ा है फरार है राजीत और लुकआउट नोटिस जारी किया गया दोबारा तो यह लुकआउट नोटिस जारी किया गया है पंजाब पुलिस के वालों और लगातार भाल की जा रही है क्योंकि दो बेहद अहम मामले ने एक तो ड्रग का मामला है और दूसरा आमदन तो बाद जायदाद का मामला है मनोज जेकर आवाज आ पा रही है तो गल पूरी कर सकते हो बिल्कुल गुरजोत क्योंकि अक्टूबर 2023 तो लैके हुण तक राजीत गायब है ड्रग्स से आए तो वध संपत्ति मामले च लगातार इहदे विच स्पैशल टास्क फोर्स इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो हुण होर तेज इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है इंटेलिजेंस विंग दी दे विच मदद दी जा रही है तुहानूं दस दईए कि क्योंकि हजे खसा जताया जा रहा है कि राजीत विदेश भज्जिया जा सकदा है इस करके नेपाल दे थ्रू जिन्ने भी जिहड़े सटे एरिया है उत्थे हुण इन्वेस्टिगेशन की जा रही है जिहड़े एयरपोर्ट्स ने नियर बाय उन्हां नूं सारयां नूं लुकआउट नोटिस दोबारा तो दिता गया है कि आखिर राजीत कित्थे गया क्योंकि एसटीएफ हुण इन्हां दी प्रॉपर्टी अटैच करन दी भी तैयारी जिहड़ी है उह करदे लगातार हुण कार्रवाई जिहड़ी उह कीती जा रही है क्योंकि हुण सख्ती जरूर वेखण नूं मिल रही है क्योंकि इहदे विच इन्वेस्टिगेशन करदे करदे जिहड़ी टीमां बनाई गई सी एसटीएफ दी इंटेलीजेंस विंग दी ते हुण इह वी जिहड़े सोर्सिस सानूं जानकारी दे रहे हैं कि इहदे विच हुण नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दी वी मदद लीती जा रही है जिसनों लैके लगातार इन्वेस्टिगेशन का यह पूरा प्रोसैस किया जा रहा है क्योंकि एसटीएफ वालों जी कार्रवाई की गई थी उसके कई खुलासे हुए हैं उसके बाद जी पंजाब पुलिस वालों इंटेलीजेंस विंग वालों इसकी मदद ली गई थी उसके भी कई खुलासे किए गए हैं लेकिन हजे तक राजीत कित्थे है ये हजे तक सस्पेंस बरकरार है और खदशा यही है कि विदेश फरार हो सकता है जिस करके जिन्हें भी लुकआउट नोटिस के नाल नाल जिन्हें भी नेपाल के थ्रू जिन्हें एरिए ने क्योंकि दसया जा रहा है कि नेपाल के थ्रू वो विदेश भजया जा सकता है जिस करके हुण इन्वेस्टिगेशन होर भी तेज हो चुकी है गुरजीत जी ठीक है शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी लिए धन्यवाद है तो बेहद अहम है और हुण देखना होगा कि कुछ अगे किस किस्म की कार्रवाई रहती है क्योंकि ये भी जानकारी है कि प्रॉपर्टी अटैच करने की तैयारी है।